मेरे पुत्र सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मेरी पुत्री सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगी पापों से, बीमारी से, समस्या, उलझने, शैतान के बंधन, डर से। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम एक नए महीने की शुरुआत में आ गए हैं। प्रभु ने इस महीने के लिए मेरे लिए कौन सा वचन रखा है, कैसे हमें चलाएंगे, कौन सा आशीर्वाद रखा है, ये जानने की कईयों में उत्सुकता है ना। हर एक दिन उनका अनुग्रह नया होता है, हर एक दिन वो हमें अपनी बातें सुनाते हैं। और जब एक पूरा महीना आता है तो वह हमसे बात करके हमें सामर्थ्यशाली बनाते हैं। वो इसलिए कि जो पूरा महीना होता है, उस पूरे महीने में काम करके हमें उस महीने की तनख्वाह मिलती है, उसमें से घर का किराया देना होता है, बैंक की ईएमआई भरनी होती है, बिजली का बिल भरना होता है, ये सब हर महीने एक बार करना होता है। व्यापार करने वाले को भी ये करना ही पड़ता है, नौकरी वाले के लिए भी यही रहता है। हर महीने की पहली तारीख को इन सब के बारे में सोचते हैं कि इस महीने में कौन से काम बाकी हैं, उन सारे कामों को पूरा करना है। ऐसे कई काम होते हैं, इसलिए महीने की शुरुआत में ही प्रभु की स्तुति करके, उस दिन विशेष प्रार्थना करके, उस पूरे महीने प्रभु की कृपा चाहिए, ऐसी प्रार्थना करके हम पाते हैं। लेकिन ये महीना विशेष महीना है, विशेषकर इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि ये अगस्त का महीना जो होता है, ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का होता है। 15 अगस्त ही इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, और ये पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाया जाता है। ये स्वतंत्रता क्या है? गुलामी से आजादी पाने का दिन। एक जमाने में अंग्रेज हमारे देश पर शासन किया करते थे, और उनके गुलामी से स्वतंत्र होने का दिन ही स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। तो स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये स्वतंत्रता हमने अंग्रेजों की सरकार से स्वतंत्रता पाली, लेकिन क्या हम सब लोग स्वतंत्र हैं? अपने देश में सोचकर देखिए, नहीं। आज भी दासत्व का जीवन व्यतीत करने वाले लोग कई करोड़ हैं। पाप को लेकर दासत्व, शाप को लेकर दासत्व, डर को लेकर दासत्व, कर्ज की समस्याओं को लेकर दासत्व, मनुष्यों के कारण भयभीत होने का दासत्व, कई प्रकार के दासत्व के कारण मनुष्य का जीवन बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसा हम देखते हैं। तो आज के दिन परमेश्वर आपको कौन सा वचन दे रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 36वां वचन। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही वचन है कि मेरे बच्चों, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मेरे पुत्र सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मेरी पुत्री सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगी। किसी न किसी कार्य में दासत्व दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए छुटकारा चाहिए। भले ही आप बाहर न दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा चाहिए। ये आप जानते हैं, कुछ लोग पाप के दास हैं, कुछ लोग शैतान के दास हैं, और कुछ लोग भय के दास हैं, और कुछ लोग कर्ज की समस्या के दास हैं। ये दासत्व कई प्रकार के होते हैं, और इन सब का मुख्य कारण है इस संसार में क्रियाएं करने वाला हमारा शत्रु शैतान। ये शैतान ही कई प्रकार से मनुष्यों को दास बनाकर, उन्हें तकलीफें पहुंचाकर, उनकी सुख शांति छीनकर उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये जो दासत्व है, ये एक बहुत ही दुखदायी कार्य है। जब इसे छुटकारा पाते हैं तो एक बहुत बड़ी संतुष्टि, प्रसन्नता, आशीर्वाद मन में पैदा होता है। प्रभु कह रहे हैं कि सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा कहा है। ठीक है, तो हमें दास बनाने वाले कार्य क्या हैं? उनसे प्रभु द्वारा हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इस महीने परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा छुटकारा रखा है? वचन में से 3 बातें बताकर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। सबसे पहले यूहन्ना 8वें अध्याय का 34वां वचन पढ़ेंगे तो, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, ऐसा वचन कहता है। पाप का दासत्व। अनेक लोग पाप में फंसकर दासत्व का जीवन जी रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। बाहर से वो लोग हमेशा की तरह बहुत ही खुश दिखाई देंगे,
लेकिन अंदर से दासत्व, शराब की लत का दास बनकर उससे बाहर निकलने के लिए तड़पने वाले करोड़ों लोग इंडिया में हैं। नशीले पदार्थ का दास बनकर गलत है जान के भी छोड़ नहीं पा रहे, बाहर निकलने के लिए जूझ रहे अनेक लोग हैं। दुष्ट आत्मा की जकड़ में आकर डर, चिंता, डिप्रेशन, ऐसे दासत्व में फंसे अनेक लोग हैं। कईयों के अंदर पापी स्वभाव, पापी गुण उसका दास बनकर छोड़ नहीं पा रहे हैं। गलत है जान के भी खुद को बदल नहीं पा रहे हैं। लालच का दासत्व, क्रोध का दासत्व, चिढ़ने का दासत्व, पैसों की लालच उसका दासत्व, ये गलत है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये जान कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रकार का कोई ना कोई दासत्व आपके जीवन में क्षति पहुंचा रहा है ना, तो आपको एक छुटकारा चाहिए। यीशु वचन दे रहे हैं कि सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे इस प्रकार से। ये कैसे पा सकते हैं? बेंगलोर शहर से एक जवान लड़की ने अपने अनुभव एक चिट्ठी में लिखकर भेजे। उस लड़की को देखिए, जैसे ही वो कॉलेज में गई तो एटमॉस्फेयर बदलता है ना, जब कोई जवानी की ओर बढ़ता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप और कुछ गलत सहेलियां उनके साथ मिलकर धीरे धीरे कुछ गलत आदतों में उनके साथ में फंस गई और वो उसका दास बन गई। घर वाले, बाहर वाले ये नहीं जानते कि इसके जीवन में एक पापी कार्य आ गया जिसने इसे दास बना लिया है। वो ये जानती है कि सुख चैन छिन गया, इससे पढ़ाई को नुकसान हुआ, अपना ध्यान नहीं लगा पाई, फेल हो गई। गलत है जानती है पर छोड़ नहीं पाई, इससे दूसरों पर गुस्सा आने लगा, सबसे चिढ़ने लगी, खुद से नफरत करने जैसी परिस्थिति आ गई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, माँ बाप से नहीं कह सकती, अपने भाई बहनों से नहीं कह सकती, जिसे भी कहूंगी मुझे ही गलत समझेगा। क्या करूं, मैं जानती हूं कि ये गलत है पर छोड़ नहीं पा रही हूं। अब क्या करूं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। मन में एक ऐसी बहुत बड़ी उलझन पैदा हुई। दासत्व का ये अंतिम छोर होता है। शैतान जब किसी पाप का दास बना लेता है, अब तुम इसे नहीं छोड़ पाओगे, जीवन समाप्त हो गया है, अब तो मर जा, इस प्रकार से आत्महत्या के लिए उकसाता है। ऐसी ही एक उलझन से वो बेटी जूझ रही थी, तभी वो टीवी में हमारा सुसमाचार सुनती है। किसी भी पाप से छुटकारा पा सकते हैं, यीशु छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हैं। ये संदेश सुनते ही उसके मन में एक प्रसन्नता आई। आज छुटकारा पा के रहूंगी, घर में कोई नहीं है, टीवी के सामने घुटनों पर खड़े रहकर उसने प्रभु के समक्ष रोते हुए कहा, मैं इस पाप में फंस गई हूँ, अनजाने में इसमें फंस गई, दूसरों के बहकावे में आकर फंस गई, ये पाप है, जान के भी मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है, अपने भविष्य को लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी को बता नहीं पा रही हूँ, जिसे भी बताऊंगी वो मुझे ही गलत समझेगा, मैं क्या करूं प्रभु, मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्या मुझे क्षमा मिलेगी, छुटकारा मिलेगा? ये बोल रहे हैं, यीशु छुटकारा दिलाएंगे, यीशु क्षमा करेंगे, ऐसा है तो मेरी सहायता करो, बोलकर आंसुओं के साथ रोई, हिचकियां लेकर वो रोई। उसके मन पर इतना बड़ा बोझ था, उसके जीवन में ये पाप इतनी बड़ी क्षति पहुंचा रहा था, बाहर नहीं दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर उसका जीवन बहुत दुखी था और वो आंसुओं के साथ रोई, प्रभु से मेल मिलाप किया और ठीक उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आई। उसने बताया, जैसे लहू अगर मेरे ऊपर गिरेगा तो कैसा लगेगा, सर पर लहू गिरा और पूरे शरीर पर रिसने लगा। इस प्रकार का एक आभास, एक एक्सपीरियंस, लहू गिरा नहीं लेकिन लहू अगर गिरकर पूरे शरीर में फैल जाए तो कैसा लगेगा, ऐसा लगा जैसे लहू गिर रहा है, वो यीशु का लहू है। तो यीशु मसीह का लहू हमारे समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। ये वचन मुझे याद आया कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर रहा है, लहू धोकर शुद्ध कर रहा है, और उसने शुद्ध कर दिया, बस इतना ही। उसी समय उसका हृदय नए हृदय में बदल गया, बस इतना ही। जो कपड़े गंदे होते हैं उन्हें साबुन से अच्छे से घिसने पर व्हाइट चमक जाते हैं, उस प्रकार से उसका हृदय ब्राइट हो गया, जो बोझ था वो उतर गया। उसके बाद उसके मन में संतुष्टि और प्रसन्नता छा गई। उसके बाद उस पाप के बारे में उसने सोचा तक नहीं, न उस तरफ गई, कोई नुकसान नहीं, पूरी तरह बदल गया। जो कुछ हुआ वो सारी बातें वो भूल गई। वैसा एक नया हृदय, नया जीवन, बहुत ही प्रसन्नता से उस बेटी ने लिखा था कि कितनी बड़ी प्रसन्नता यीशु ने मुझे प्रदान की, मुझे छुटकारा दिला दिया, अब वो पाप उस बारे में कोई विचार नहीं आता है, इच्छा नहीं होती है,
जरा सा भी विचार मेरे मन में नहीं आता है, ऐसा एक परिवर्तन, यही है यीशु का सामर्थ्य। आपके जीवन को क्षति पहुंचा रहा है पाप, आपके अंतरात्मा आपको कोस रही होगी, आपके मन को दुख पहुंच रहा होगा। कहीं ये बात लोग जान ना जाएं, घर वाले अगर जान जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, ओहो ये छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इस पाप से कितनी क्षति पहुंच रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बात से चिंतित हैं। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। आपको शुद्ध करके छुटकारा दिलाने के लिए यीशु तैयार हैं। उसी के लिए तो वो क्रूस पर गए, इसलिए आज ही यीशु के समक्ष अपने पापों को रखकर छुटकारा चाहिए ऐसा कहें, अवश्य आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। दूसरा, आप देखिए लूका रचित सुसमाचार, उसके 13वें अध्याय में आप एक घटना पढ़ सकते हैं। 10 से लेकर 16 वचन तक आप पढ़ेंगे तो 18 साल तक एक स्त्री जो कुबड़ी थी, जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, झुककर ही चलती थी, वो कुबड़ी स्त्री प्रार्थना करने आराधनालय में आती है। यीशु ने उसे बुलाकर छुटकारा दिलाया। 16वां वचन कहता है कि शैतान ने 18 साल से इसे बांध रखा है, तो क्या इसे छुटकारा दिलाना उचित नहीं है? तो शैतान ने उसे अपना दास बना रखा था, दासत्व में। उसके शरीर को एक बीमारी से शैतान ने बांध रखा था, एक दुर्बलता की आत्मा ने, ऐसा ये वचन कहता है। और जैसे ही वो आत्मा बाहर निकली, उसके शरीर से बीमारी दूर हुई, वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। आज आपके शरीर में कोई बीमारी आपको क्षति पहुंचा रही है, डॉक्टर जान नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बीमारी है, स्कैन रिपोर्ट ये कहती है, जांच करने पर पता चलता है कि ब्लड रिपोर्ट ये कहती है, ऐसे सब कुछ करेक्ट है, नॉर्मल है, फिर भी क्या बीमारी है समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति, इसके पीछे है शरीर को दुर्बल बनाने वाली एक आत्मा, बीमारी लाकर हमारे शरीर पर घात करके उससे हमें दुख पहुंचाने के लिए नासूर शैतान की क्रिया होती है ये दासत्व। लेकिन यीशु मसीह छुटकारा दिलाएं तो सचमुच का छुटकारा। एक बहन को देखिए, उसके शरीर में एक अजीब सी बीमारी आई, उसने बहुत क्षति पहुंचाई, दुख वेदना कष्ट, इसलिए उसने प्रार्थना करके देखा, धीरज रख के देखा, लेकिन उसके बाद डॉक्टर के पास गई, सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी कराया, हर तरह का टेस्ट कराया, हार्ट का सब चेक कर लिया, यहाँ तक कि शुगर का भी टेस्ट कराया, लेकिन सब नॉर्मल आया, स्कैन रिपोर्ट निकाल के देखी, सब नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट देखी नॉर्मल है। डॉक्टर कहते हैं हम किस चीज का इलाज करें, सब कुछ तो नॉर्मल है, शरीर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। डॉक्टर कहते हैं ये बड़ी अजीब सी बीमारी है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे जो होगा करेंगे, वो भी आपकी आत्म तृप्ति के लिए। कुछ दवाइयां लिखकर कहते हैं कि ये खा के देखो और उन्हें भेज देते हैं। लेकिन ये कई सालों से है लगातार दर्द, शरीर को क्षति पहुंच रही है, इस वजह से बहुत तकलीफ उठा रही थी, क्या है समझ में नहीं आ रहा था, बीमारी पकड़ में नहीं आई, लेकिन उससे लगातार दुख हो रहा था, तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। और आखिर में किसी ने बताया कि नाल मावड़ी में दरार की प्रार्थना हो रही है, ठीक है प्रार्थना में जाएंगे, बोलकर वो आए। एक भारी भीड़ के बीच में वो बैठ गए, प्रभु के वचन जब ध्यान से सुन रहे थे तब उन्हें कुछ बातें समझ में आईं, फिर प्रभु को देखकर निरंतर प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना करते समय मुझे क्या बीमारी है कोई पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा शरीर दुख उठा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुखी हूँ, यीशु मेरी सहायता करो, ऐसा कह के मन खोल कर प्रार्थना की। तब परमेश्वर की उपस्थिति जब उतरी तब उसे एक आत्मा झंझोरती है, तब तक वो शांत थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आत्मा अब झंझोड़ने लगी। यीशु का नाम बोलकर जब प्रार्थना करनी शुरू की तो उसके अंदर से एक आत्मा बाहर निकल कर गई, और वो देख रहे हैं, ये क्या अभी तक एक आत्मा मेरे शरीर में थी, मुझे खुद पता नहीं, प्रार्थना करती हूँ, रोज बाइबल पढ़ती हूँ, भक्ति में ही रहती हूँ, ये आत्मा मेरे शरीर पर घात करके मेरे शरीर को दुर्बल बनाए जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। वो आत्मा उसे धक्का मारते हुए बाहर निकल गई, बस इतना ही, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। तभी समझ में आया एक आत्मा उसके शरीर से निकली है। वो जैसे ही खड़ी हुई तो उसका शरीर एकदम फ्रेश हो गया, अब वो दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई क्षति नहीं, दुर्बलता नहीं, एकदम नया शरीर बन गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसने जब बताया तो बहुत ही प्रसन्नता से कि मेरे साथ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है,
वचन में भी दिया गया है ना, स्त्री जो कुबड़ी थी, दुर्बल करने वाली आत्मा ने उस पर घात किया था, उससे प्रभु ने उसे छुटकारा दिलाया। आपके शरीर में भी ऐसी बीमारी का कारण एक दुष्ट आत्मा हो सकती है, इसीलिए तो डॉक्टर बीमारी पहचान नहीं पा रहे हैं और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेदनाएं दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, क्या करें सोचकर बहुत चिंतित हो रखे हैं। आज सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आपके शरीर पे घात करके, दुर्बल बना के, वेदनाएं पहुंचाने वाले दुष्ट शत्रु की शक्ति नष्ट होगी और आप छुटकारा पाएंगे। कोई भी बीमारी हो, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, या आपकी किडनी खराब हुई है, हृदय में कोई रोग है, एनी टाइप ऑफ डिसीज, जीसस कैन हील यू, जीसस कैन डिलीवर यू। आज वो आपको छुटकारा दिलाएंगे। ये समय उसी के लिए है, इसीलिए तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु कह रहे हैं। आज ही आप छुटकारा प्राप्त करने वाले हैं। और अब जो तीसरी बात आप देखेंगे, कुलुसियों पहले अध्याय के 13वें वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुटकारा दिलाया। अंधकार के वश से छुटकारा दिलाने वाली ये बात यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ ये अंधकार का क्या अर्थ है? शैतान, शैतान की आत्मा, वही अंधकार का लोकाधिपति है, अंधेरे में क्रियाएं करने वाला दुष्ट शैतान। वह कई प्रकार से हमें अपने वश में करके दास बनाकर दुख पहुंचाता है। पाप के दासत्व का कारण वही है, बीमारी के दासत्व का कारण वही है, डर के दासत्व का कारण वही है। किसी भी कारण यदि आप दासत्व में हैं, तो उसका कारण शैतान ही है। प्रभु हमें स्वतंत्रता दिलाते हैं, अधिकार दिलाते हैं, एकदम फ्री से अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए। आपको ही निर्णय लेना है, प्रभु के साथ जीना है या शैतान के साथ, या आपकी इच्छा, ये प्रभु आप पर छोड़ते हैं। वो हमें छुटकारा दिलाकर प्रसन्न करते हैं, शैतान ऐसा नहीं है। डरा कर, दास बनाकर, हमें दुखी करके वेदनाएं पहुंचाता रहेगा। शैतान का यही काम है। अंधकार की आत्मा, अंधकार की क्रियाएं, जादू टोना करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंतिम समय आ गया है, इसलिए ये तंत्र मंत्र, जादू टोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करने लगे हैं। विदेश में अमेरिकन्स कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले कर रहे हैं, हर देश में ये दिखाई दे रहा है। अंतिम समय है ये। तो शैतान के अंधकार से छुटकारा मिलेगा। जादू टोने, तंत्र मंत्र की वजह से बिजनेस में होने वाली क्षति, परिवार में क्षति, शरीर में क्षति पहुंचती है, जीवन में क्षति हो रही है, सोचकर चिंतित हैं, जैसे डर, मरने का डर, जीकर क्या करूं ऐसा विचार, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, इससे तकलीफ उठाकर दासत्व में फंस कर आप परेशान हो रखे हैं ना, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, अकेले में बैठ कर रो रहे हैं, अकेले में बैठ के सोच रहे हैं मेरे जीवन में क्या होगा, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं, ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आप मान रहे हैं, इस तरह से आप दुख उठा रहे हैं ना कि जिससे भी बताते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और कहते हैं ये तुम्हारा वहम है, तो अपने आप में ऐसा सोच रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। अब ऐसे में क्या करें, यही सोच रहे हैं। यीशु मसीह, जीसस कैन अंडरस्टैंड यू, यीशु आपको समझते हैं, वो शैतान की क्रियाओं को अच्छे से जानते हैं, वो आपको कैसे क्षति पहुंचा रहा है ये भी जानते हैं। कर्ज की समस्या का दास बनाकर, कर्जा ना लौटाने पर मर जा ऐसा लोग कहते हैं ना, ऐसा अपमान क्यों झेल रहा है, इससे तो अच्छा है तू मर जा ऐसा कहते हैं ना, इसके पीछे होता है दुष्ट शैतान, वही मरने के लिए उकसाता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, वो हो कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा सोच रहे हैं, इसके पीछे है नासूर, हत्यारा, दुष्ट शैतान, वो आपको मारना चाहता है। लेकिन यीशु छुटकारा दिलाने वाले प्रभु हैं, इसलिए चाहे कर्ज की समस्या हो, मनुष्यों की कोई समस्या हो, न्यायालय में कोई केस हो, झूठा आरोप क्यों ना लगा हो, नौकरी में कोई समस्या हो, परिवार में होने वाली कैसी भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा, सचमुच का छुटकारा दिलाऊंगा, बेटी, बेटे, मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा, तू मत डर। शैतान ने चाहे कैसा भी तंत्र मंत्र, कोई भी क्रिया क्यों ना की हो, आज आपके लिए छुटकारा, उसी के लिए तो प्रभु बात कर रहे हैं, पापों से, बीमारी से, समस्या, उलझने, शैतान के बंधन, डर से छुटकारा यीशु अभी आपको दिलाने वाले हैं। ये छुटकारा हमें दिलाने के लिए यीशु ने स्वयं क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाई, उनके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गईं, पैरों में कीलें ठोकी गईं, क्रूस पर जब उन्हें लटकाया गया, तो देखिए, हमें छुटकारा दिलाने के लिए
हमें दासत्व से छुड़ाने के लिए यीशु दास का रूप लेकर जगत में आए और क्रूस पर स्वयं को लटकाने के लिए मेल मिलाप किया। हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर अपने शरीर को लटकाकर पृथ्वी और आकाश के बीच लहू बहाकर मरे। कैसे लटकाया? हाथों में कीलें, लोहे की कीलों से क्रूस की लकड़ी में उन्हें लटकाया गया। पैरों में कीले ठोक कर क्रूस पर लटकाया। उनका लहू नीचे बह रहा था। सर से लहू, हाथों से लहू, पैरों से लहू बहा, ये किस लिए? मेरे बच्चों के छुटकारे के लिए मेरा पवित्र लहू बहना चाहिए। ये बोलकर यीशु ने अपना लहू बहाया। आपके छुटकारे के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, आपको और मुझे छुटकारा दिलाकर प्रसन्न करने के लिए स्वयं को क्रूस पर लटकाया। एक दास की तरह स्वयं को समर्पित किया यीशु ने और तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए। शैतान पर विजय पाई, दास बनाने वाले शैतान पर जय पाई और इसीलिए यीशु का नाम बोलते ही आपको छुटकारा मिलता है। यीशु पर विश्वास रखते ही आपको छुटकारा मिलता है। यीशु मेरे पाप क्रूस पर ढो चुके हैं, ऐसा विश्वास रखने पर पापों से छुटकारा। 1 पत्रस 2:24 में वचन ये साफ साफ कहता है, वह आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। मत्ती 8:17 वचन कहता है कि हमारी दुर्बलताएं और बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। किस लिए? आपको दुर्बलताओं और बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए। इस पर आप विश्वास रखें। हमें शाप से छुटकारा दिलाने के लिए वो क्रूस पर शापित हुए। गलातियों 3:13 में हम ये पढ़ते हैं, शैतान के सताने और उसके बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु ने स्वयं क्रूस से मेल मिलाप किया और हमें छुटकारा दिलाया। कुलुसियों 1:13 में हम पढ़ते हैं, ये सब किस लिए? ताकि वो क्रूस पर चढ़कर आपको छुटकारा दिलाएं, आपको दासत्व से छुड़ाने के लिए। आज कोई ना कोई दासत्व आपको क्षति पहुंचा रहा है। बाहर वाले, घर वाले नहीं जानते हैं, कलीसिया में भी कोई नहीं जानता है, काम की जगह पे कोई नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हैं। वो आपको क्षति पहुंचा रहा है। बाहर बोल नहीं पा रहे हैं, बस नुकसान उठाए जा रहे हैं। सुख शांति नहीं है, सो नहीं पाते हैं। पत्नी से बोल नहीं पा रहे हैं, पति से बोल नहीं पा रही है, माँ बाप से नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, डर। ये शैतान का तंत्र है। आप किसी से मत बोलिए, पर यीशु से बोलिए। आज ही बोलिए, यीशु मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु, इस दासत्व से मुझे नुकसान हो रहा है। कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। छुटकारा दिलाओ, क्रूस के लहू का सामर्थ्य मुझ पे उतरे। ऐसी प्रार्थना करें आज ही छुटकारा। उसी के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रार्थना करें। आप ये विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर पापों को उठाया, शापों को उठाया, बीमारियों को उठाया, शैतान की क्रिया नष्ट करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया, स्वयं को क्रूस पर समर्पित किया। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह के घावों से हम चंगे होते हैं। हमारे शाप दूर कर आशीष देने के लिए शापित हुए। इस पर विश्वास रखते हैं? इसी विश्वास से अभी प्रार्थना करें। इसी क्षण से आपके जीवन को छुटकारा मिलेगा। मुझे छुटकारा चाहिए, इस तरह से मैं तकलीफ उठा रहा हूँ। मेरे पाप के बंधन, दासत्व, बीमारी, दुर्बलता, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, कर्ज की समस्या, ये दुख मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मुझे छुटकारा चाहिए। उसके लिए हृदय पर हाथ रखें, अपने हृदय पर हाथ रखें, अपनी आंखें मूंद लें। आपके लिए क्रूस पर मरकर पुनः जीवित होने वाले यीशु को देखें। उनके हाथों में घाव दिख रहे हैं, उनके सर पर घाव हैं और सर पर कांटों का मुकुट दिख रहा है। ऐसी प्रार्थना करें, यीशु मुझे सचमुच का छुटकारा दिलाने वाले, मेरे छुटकारे के लिए क्रूस पर लहू बहा के अपनी बलि चढ़ाने वाले, मेरे पाप, बीमारी, शाप, वेदनाएं, ये सब तुम उठा चुके हो। यीशु मसीह के नाम से आज मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु के लहू का सामर्थ्य मुझ में उतर कर आए। मेरे पाप क्षमा करो, गलतियां क्षमा करो, इस पाप के दासत्व से छुटकारा दिलाओ। प्रभु, जो भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं उन पर तुम्हारे लहू का सामर्थ्य उतर कर आए। इस युवा लड़के पर तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए, इस युवा बेटी पर तुम्हारे लहू का सामर्थ्य उतर कर आए। यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो, पाप के बंधन टूट कर बिखर जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा लहू इन पर मल के मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी समय दुष्ट शैतान के बंधन टूट कर बिखर जाने चाहिए। पवित्रता को नष्ट करने वाली शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं। छुटकारा, छुटकारा यीशु के लहू के सामर्थ्य से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो।
बीमारी और दुर्बलता से दुख उठाकर प्रभु जो मृत्यु से जूझ रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस शरीर को बीमारी देकर दुखी करने वाले नासूर दुष्ट शैतान, तुझे फटकारता हूँ यीशु के नाम से। बीमारियां दूर हों, मृत्यु के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, दुर्बल करने वाली आत्माएं दूर हो जाएं यीशु के नाम से। बीमारियां लाने वाली दुष्ट शैतान की क्रियाएं दूर हो जाएं यीशु के नाम से। इसी समय इस बेटी को छुटकारा प्राप्त हो, इस बेटे को छुटकारा प्राप्त हो, बीमारियों के बंधन टूट जाएं, शरीर नए शरीर में बदल जाए यीशु के नाम से। इन्हें छूने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। डर के कारण चिंतित होकर, निराशा के कारण, डिप्रेशन के कारण निराश इस बेटे को छुओ, इस बेटी को छुओ यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा प्राप्त हो। दास बनाने वाला, डराने वाला, मानसिक तनाव और दुख पहुंचाने वाला नासूर शत्रु दूर हो जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे फटकारता हूँ यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा प्राप्त हो। तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर कर आए। अपने घाव वाले हाथ रख कर छुटकारा दिलाओ। कर्ज की समस्या से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। कर्ज का जो बोझ है वो बदल जाए यीशु के नाम से। अच्छे भले कार्य इस महीने में तुम्हारे बच्चे कर पाएं, रुकावटें दूर होकर कार्य सफल हों, सारे दुख दूर होकर संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त हो। सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे इस वचन अनुसार। जहां कहीं भी जिस किसी कार्य में इन्हें छुटकारा चाहिए, उन सभी कार्यों में यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। आज ही इसी समय छुटकारा, इसी क्षण से ये बदलाव देख पाए, ये प्रसन्न रहे, ऐसा करो। तुमने आशीर्वाद दे दिया, हर एक दिन अद्भुत चमत्कार छुटकारा ये बच्चे देख पाए उस तरह से। इस पूरे महीने तुम्हारा हाथ इन बच्चों पर रहे, तुम्हारा आशीर्वाद मिलता रहे। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान दो, उनकी याददाश्त बढ़ाओ। शत्रु की कोई भी क्रिया उन्हें छू ना पाए वैसे उनकी रक्षा करना आशीष दो। व्यापार करने वाले बच्चों के व्यापार में आशीष दो। रुकावटें दूर हों, आवश्यकताओं की पूर्ति हो आशीष दो। नौकरी में उन्नति देकर, आशीष देकर, प्रमोशन में उन्नति दिलाकर इन्हें आशीष दो। सेवकाई को आशीष दो। सेवकाई के विरोध में उठने वाली आत्माएं नष्ट हों, कार्य सफल हों, सेवकाई श्रेष्ठ हो। आशीर्वाद देकर उन्नत बनाओ। आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। छुटकारा दिला दिया उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छुटकारा दिला दिया, विश्वास रखते हैं? कईयों का आभास हो रहा है, मैं इसका आभास कर सकता हूँ अपनी आत्मा में। अनेकों को प्रभु ने छू कर छुटकारा दिला दिया। आप में से शत्रु की क्रियाएं निकल कर नष्ट हो गईं। डर, पाप, बीमारी, दुर्बलता, मानसिक तनाव, इन सब से छुटकारा। अब फ्री होकर अच्छे से स्तुति करें, जोर से प्रभु की स्तुति करें। रोजाना इस वचन को बोलकर सचमुच स्वतंत्र करने वाले यीशु को धन्य कहकर उनकी स्तुति करें, अवश्य चमत्कार देखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.